स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली आप सभी का 28 फरवरी को आप सभी का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का एग्जाम होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 2024 के परीक्षा में 28 फरवरी को डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए आपका पूर्णांक 40 नंबर का रहेगा। समय आपको 1.5 घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा दिया जाएगा। और सामान्य निर्देश थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बोलता है दोस्तों सावधानी पूर्वक सभी विवरण ओएमआर शीट पर भरे, ठीक है, अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर शीट पर दे। तो ओएमआर शीट आपको एग्जाम में दिया जाएगा। हम आपको दोस्तों वायरल प्रश्न पत्र को सोल्व करके बताएंगे किसका किसका क्या क्या आंसर रहने वाला है। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आ गया। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहा था दोस्तों एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया क्या है दोस्तों? मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। दो नदी कौन कौन? दजला और फरात। दजला और फरात याद रखिएगा, दो नदी दजला और फरात, उसके बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, चलिए दो नंबर दोस्तों पूछता, असरिया सभ्यता की राजधानी कहां थी? असरिया, असरिया कहां थी दोस्तों इसका राजधानी? ठीक है, क्या दोस्तों? बेबीलोन, मिस्र, चीन, मारी। सर राइट आंसर इज ए बेबीलोन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तीन नंबर कहता है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता? सुमेर मतलब क्या होता? सुमेर का मतलब क्या होता है पूछा है। सुमेर का मतलब होता है ईट, सो ईट से बने शहर को सुमेर कहा जाता है। सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ ईट से बने शहर कहलाता है। तो थ्री का ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चार नंबर पूछा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई जाती है उनमें से किन जानवरों का चित्रण की प्रधानता है? मेसोपोटामिया जो पट्टिका पाई जाती है, जिसका दोस्तों मिट्टी का पट्टिका होता था, ठीक है, मिट्टी का पट्टिका होता था, उसमें पूछा गया है कि उसमें कौन कौन से जानवर की प्रधानता दी जाती है, यानी कि मिट्टी के पट्टिका में पारा हुआ बैल, रोटी, मछली, तीनों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए पांच नंबर दोस्तों बोलता है, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देने? चाक माने कुम्हार, गुल्लर बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, चाय पीने वाला प्याला बनाता है, तो वो जो कुम्हार का जो चाक था, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जिसके कारण मिट्टी को दोस्तों सुंदर सुंदर रूप दिया जाता है, उसका आविष्कार कौन किया? सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। पांच का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए छह नंबर दोस्तों पूछा, प्यारा सा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? प्रमुख उपज माने सर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा फसल मेसोपोटामिया में पाया जाता था? तो छे का इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, जिससे हम लोग आटा खा, जिससे आटा निकलता है, आटा से रोटी हम लोग बना के खाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों सात नंबर बोलता है, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? झूलते बाघ, ठीक है, ऑप्शन से माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता। सात का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन सभ्यता। ठीक है, आठ नंबर, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? झूलते बाग कौन सा सभ्यता के देने? तो बेबीलोन, साफ साफ दिया, तो बेबीलोन दोस्तों झूलते बाग का सभ्यता का देन कौन से शासक करवाया है? आठ का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नबूकदनेज़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नौ नंबर, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? किस पुस्तक में, कौन सा किताब में जल प्लावन की घटना आती है? ठीक है, तो यहां पर देखिए नौ का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइबल, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे दोस्तों दस नंबर बोलता है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ?
याद रखने वाले चीज है ना। मिस्र, मिस्र कहाँ विकसित हुआ था? मिस्र की सभ्यता का जो विकास है कौन से नदी के किनारे हुआ? तो नील नदी के किनारे हुआ था। छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, कमेंट के लिए, ठीक है, कि हड़प्पा 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 सभ्यता कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ? मेसोपोटामिया, दजला और फरात, दो नदी, मिस्र, नील नदी, तो हड़प्पा कौन से नदी के किनारे होगा? बता दीजिए नीचे कमेंट करके। जो ध्यान में रख रहा है, 10 का चारों ऑप्शन को देख रहा है, तीन को ऑप्शन तो हम इसी गायब कर दें, एक ही को ऑप्शन बचा है, उसका नीचे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए 11 नंबर दोस्तों, रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता है? नाइट, सोने वाला नाइट, गुड नाइट, नहीं सर, तो ये जो नाइट है अश्वरोहियों का कहा जाता है, घोरे प्रधान लोगों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? जल रहा था, रोम को जला रहा था, फिर भी उसका जो शासक है बांसुरी बजा रहा था मग्न में, ठीक है, कौन था? नाम था क्या? सीजर, अगस्टस, नीरो, या फिर यहां पर क्या बोले, जट्टिनिया, ठीक है। तो यहां पर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीरो, ठीक है। रोम जल रहा था, वो अपन मग्न में बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। चलिए आगे 13 नंबर दोस्तों का था, पेपिरस कहां पाया जाता? तो पेपिरस दोस्तों कहां पाया जाता है? तो ये जो पेपिरस है, ठीक है, पेपिरस दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पाया जाता है नील नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नील नदी के किनारे, नील नदी पास कौन सा सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र सभ्यता का, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, 14 नंबर का था, रोम का इतिहास किसने लिखा? रोम का इतिहास कौन लिखा था? तो रोम का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति का नाम था टाइटस लिवी ने, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि जुलाई माह का नाम, जी हाँ दोस्तों, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? छोटा सा चीज याद रखिएगा, यहां पर आ रहा है जुलाई, ठीक है, यहां पर आ रहा है जूली, जूली जुलाई, मिलता जुलता शब्द है, जूली जुलाई, ठीक है, जूली जुलाई, जूली जुलाई या फिर जूली जुलाई, ये जो मिलता जुलता शब्द है, ट्रिक याद रखिएगा, जूली से जुलाई, यानी कि यहां पर जूलियस सीजर से इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीने का नाम पड़ा, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास से तीन को मुख्य खिलाड़ी कौन कौन, तीन को पूछा है, ऑप्शन में सम्राट भी है, अभिजात वर्ग भी है, सेना भी है, जब तीन को है ये है, तो ऑप्शन में डी बोलिए ना, उपयुक्त सभी सर। चलिए आगे दोस्तों, प्यारा सा प्रश्न है सिक्का के संबंध में, कहता दिनेरियस, दिनेरियस, ठीक है, दिनेरियस क्या था? तो दिनेरियस एक प्रकार का चांदी का सिक्का था, क्या था? चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रोम साम्राज्य का हृदय दिल कहा जाता है? ठीक है, चलिए दिल बना दिए, ठीक है, कौन से साम्राज्य को, कौन से, ठीक है, निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय या फिर दिल कहा जाता है? लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या फिर केल्सिपियन सागर? तो 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए आगे तो 19 नंबर कहता है, स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, स्पेन में क्या चीज सबसे प्रचुर मात्रा में व्यापार के रूप में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, जैतून का तेल, ठीक है, जानते हैं कैसा होता है? नहीं सर, हम भी नहीं जानते ना, आप जानते, हम लोग सरसों का तेल जानते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है, पेपाइस या फिर पेपिरस, ठीक है, क्या होता है पेपाइस या पेपिरस, क्या होता है, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, ठीक है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है नील नदी के, ठीक है, सॉरी नील नदी के, तो यहां पर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पौधा, ठीक है। चलिए 21, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, हजरत मोहम्मद का जो जन्म है दोस्तों कब हुआ था? इनका जो जन्म है वो आपके 570 ईस्वी पे है, ईस्वी पहले हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। आगे दोस्तों 22 नंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वास्तविक नाम है वो अहमद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
23 नंबर जिम्मी किसे कहते हैं। जिम्मी दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो जिम्मी से याद रखिएगा जिम्मी ईसाइयों और यहूदियों को कहते हैं। जिम्मी दोस्तों ईसाइयों और यहूदियों को कहते हैं जिम्मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर कहता है हिजरी संबंध का आरंभ कब से हुआ, ठीक है। हिजरी संबंध का आरंभ किस से हुआ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 24 का जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 622 ईस्वी पहले, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 35 नंबर अल्बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की, अल्बरूनी ने कौन से पुस्तक की रचना की, लिखा है कौन पुस्तक अल्बरूनी, तो 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तहकीक अ हिंद, ठीक है। चलिए 26 नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, नई फारसी में कविता लिखा था उनका जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। उनका जो जनक है वो कौन है, वो आपका रुडकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन थे, भूगोलवेत्ता कौन है दोस्तों, वायजिद विस्तनी बालाधुरी, ठीक है, कौन है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल, ठीक है, अल ख्वारिज्मी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था, देखिए पत्नी का पूछा है तो खादिजा हो जाएगा, और माँ का नाम क्या था उनका नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर किसने दूरबीन और कुस्तुम नुमा का आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार कौन किया दोस्तों, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीनियों ने, चाइना ने दूरबीन का आविष्कार और कुस्तुम नुमा का आविष्कार किया है। 30 नंबर गजनी सुल्तान का संस्थापक कौन था, सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो गजनी सल्तनत का जो आपका जो संस्थापक है वो आपके कौन, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर लुई चौदामा के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया, तो 31 का जो प्यारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिसुल और मेजारिन ने, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ तक पहुँच कर सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं, एग्जाम में दोस्तों ताल का मचा देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग 10 और 9 में मचाए थे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग से 32 नंबर कहता है शांति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, शांति व्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो आपका सेवा करना था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 33 नंबर डॉन की जॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता चित्रण किया गया है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइटो का, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर रोमन साम्राज्य का, ठीक है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था, रोमन चर्च का जो प्रधान है ये कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन से पोप बिशप पादरी और फ्रायर, ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोप इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर कहता है टाइड किस प्रकार का कर था, ठीक है, तो टाइड दोस्तों कौन से कर के रूप में मानते हैं, तो टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि चर्च को दिया जाता था, ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक कर। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 नंबर कहता है 36 धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन था, मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 36 हो गया, 37 नंबर कहता धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, धर्म सुधारो कौन कहा था, कौन देश से हुआ था, ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर जर्मनी से हुआ था, ठीक है। चलिए 38, 39, 40 तीन और प्रश्न बचा, तीन और, ठीक है, समंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, कौन थी दोस्तों, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए नाइट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
सबसे बेहतरीन गेस पेपर के तलाश में है, बहुत ही कम समय बचा है आप सभी के लिए दोस्तों, तहलका गेस पेपर को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम ही तहलका गेस पेपर है। और ये जो गेस पेपर है वो मात्र आपको 40 रुपया में मिलेगा, ठीक है, कितना में, 40 रुपया में, जो एग्जाम में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाने वाला है। अगर इसको चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको QR कोड भेजा जाएगा। अगर दोस्तों आप पेटीएम यूज करते हैं फोन में तो आप पे कर दीजिएगा, यानी कि पेमेंट को कर दीजिएगा, और गेस पेपर आपको व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, चलिए इस प्रकार से, ठीक है, चलिए अगर खरीदना चाहें तो जरूर खरीदिएगा, ठीक है, अगर आपको पास 40 रुपया है तो जरूर खरीदिए, ठीक है, क्योंकि 40 रुपया बहुत ही छोटा रकम है। चलिए, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ होती, तो गुलाबों की लड़ाई है गुलाबो, जरा रंग फैलाबो, ठीक है, चलिए 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड, जिसको हम लोग यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है, चलिए। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और लुच्चू पुच्चू वाला सवाल है, बचवा वाला सवाल है, और इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। गेस पेपर वाइक करना है, जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं और भी हम लोग नए वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए।